हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अभी तक हमने पिछले जितने भी वीडियोज हैं उनमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक स्टडी कर ली। एग्जांपल्स को सोल्व करके हमने ट्रांसलेशन भी किया है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी पढ़ा है, बाकी सारी चीज़ें हमने डन की। आज हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज। आपको करना क्या है, आपको वीडियो को पूरा देखना है, शेयर करना है, लाइक का बटन दबाना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो जुड़ सके, उनको भी बेनिफिट हो, मेरा जो है वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और काम करने का जो इन्जॉयमेंट है वो बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। आइए शुरू करते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज को हम हिंदी में प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कह सकते हैं। फॉर्मूला मैंने अभी लिखा नहीं है और किस तरह से हम एक फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं वो आज की ट्रिक है, और वो ट्रिक अभी आपको देखने को मिलेगी कि हम किसी भी टेंस के किसी भी प्रकार का सेंटेंस जो है वो किस प्रकार से क्रिएट किया जा सकता है। वैसे मैं बाकी सारे जो ट्रिक्स हैं वो तो लास्ट में बताने वाला हूँ, लेकिन एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हम किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो मैं अभी आपके सामने लाइव बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको फॉर्मूला लिखने में याद करने में कोई दिक्कत नहीं। लेट्स सी, हमें यह तो पता है कि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो दो प्रकार से शुरू होता है, एक हेल्पिंग वर्ब से, एक WH वर्ड से। क्लियर, यह आप सब जानते हैं। लेकिन एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव कैसे बना सकते हैं वो आपको देखना है। चलिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद में एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अपन सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद में मैन वर्ब आती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है और फिर क्वेश्चन मार्क आता है। अब इसको नेगेटिव बनाने के लिए हमें करना क्या है, केवल इसमें एक नोट वर्ड जो है वो और ऐड करना है नेगेटिविटी रिप्रेजेंट करने के लिए। और वो नेगेटिविटी किससे आएगी, नोट से आएगी। और नोट को हम कहाँ लिखते हैं, बिफोर मैन वर्ब। मैन वर्ब कहाँ है हमारी, ये रही, तो इससे पहले केवल एक नोट और ऐड कर देंगे तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव भी हो जाएगा। बस इतना सा काम है। चलिए अब आप खुद फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, फिर उसके बाद में हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में नोट, क्योंकि हमें मैन वर्ब से पहले नोट लिखना है, ये आज की ट्रिक। तो मैन वर्ब सब्जेक्ट के बाद में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैन वर्ब है तो इससे पहले हमें क्या लिख दिया, नोट। फिर उसके बाद में हमें लिखनी है वर्ब में ING, और वर्ब में ING हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ऐड होता है। क्लियर, उसके बाद में हमें लिखना है ऑब्जेक्ट और इन द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क या इंट्रोगेटिव साइन। इसका जो दूसरा जो फॉर्मूला होगा, सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, WH वर्ड, फिर उसके बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हमें क्या लिखना है, नोट, फिर उसके बाद में हमें क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING या वर्ब की ING फॉर्म, उसके बाद में हमें लिखना है ऑब्जेक्ट और उसके बाद में हमें लगाना है इंट्रोगेटिव साइन या क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नोट, विद द हेल्प ऑफ नोट। क्लियर, फॉर्मूला क्लियर है ना। चलिए रूल्स देखते हैं। जो जो रूल्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए थे वही सेम से रूल है सारे, केवल ये एक रूल जो अभी हमने फॉर्मूला क्रिएट करने में यूज किया है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से अलग है। बाकी मैन वर्ब के ING फॉर्म लिखना, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना,
हेल्पिंग वर्ब जो तीनों हैं वो अकॉर्डिंग हमें जो सब्जेक्ट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग लिखना, और सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना। तो ये सारे जो रूल्स हैं वो सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, केवल ये नोट वाला एक रूल हमने और लिखा है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स को सोल्व करने के लिए हमें 1, 2 एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेंस, इन तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्लियर? पहला फॉर्मूला, दूसरे रूल्स, और तीसरा जो हमें सेंटेंस दिया गया है उसके टेंस को आइडेंटिफाई करना। तो ये तीनों चीज़ें यदि हमारे पास में है तो फिर ट्रांसलेशन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस हमारे पास में हिंदी वाला है, वह क्यों नहीं सो रहा है। क्वेश्चन मार्क है इसका, हमें तो इसको देखकर हमें पता तो ये चलता ही है कि इंट्रोगेटिव है। उसके साथ साथ नहीं यानी कि नोट और है, तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी है। तो पहली चीज हमारे पास में ये क्लियर हो गई कि सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। कौन से टेंस का है उसके लिए फिर हमें देखना पड़ेगा, ये कौन से टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव है उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, मैं जो मेन वर्ब है हिंदी वाली उसका एंडिंग किससे हो रहा है। आपको दिखाई दे रहा है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, जिसके लिए फॉर्मूला हमारे पास में ये है और रूल्स ये। तो ये तीन चीज़ें यदि हमारे को याद हैं तो फिर ट्रांसलेशन हमारे लिए बिल्कुल ईजी है, और कितना ईजी है वो अभी आप देखेंगे। आइए, सब्जेक्ट क्या है, वह है। हमें सबसे पहले लिखना क्या है, क्योंकि ये एक डब्ल्यू एच वर्ड है, ये नोट है, तो हमारे लिए सबसे सूटेबल जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सेकंड वाला। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डब्ल्यू एच वर्ड, और डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, क्यों, क्यों के लिए अपन इंग्लिश में लिखते हैं वाई। क्लियर? इसके बाद में हमें लिखनी है हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द ही, और ही के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या होगी, इज। फिर उसके बाद में हमें लिखना है सब्जेक्ट ही, उसके बाद में हमें लिखना है नोट बिफोर द मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या है, सोना, स्लीप, कॉन्सोनेंट मोर देन सिंगल वोवल, डबल ई है तो एक से ज़्यादा वोवल है, तो विदाउट एनी चेंजेज वी एड ing in the main verb's first form. There is no object in this sentence, so we end our translation with the help of question mark. Clear? Why is he not sleeping? Subject क्या है, कविता, ये wh word, ये note. Clear? तो क्योंकि क्या सेंटेंस के बीच में आया है तो हम सेंटेंस को किससे शुरू करेंगे, वाट से, मींस डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होने वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, इसको नहीं करेंगे। इसको किसके साथ में करेंगे, ये क्या जो है वो यदि सेंटेंस के स्टार्ट में हो तब, तो वाट। फिर उसके बाद में हमें लिखनी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, कविता के अकॉर्डिंग, क्योंकि सब्जेक्ट कविता है, तो इसके साथ में अपन ने लिखा इज, क्योंकि किसी भी एक व्यक्ति का नाम जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में अपन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज। उसके बाद में लिखना है हमें सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमने लिखा कविता। उसके बाद में हमें लगाना है नोट, नोट के बाद में हमें लिखनी है मैन वर्ब, कॉन्सोनेंट से पहले मोर देन वन वोवल, तो विदाउट एनी चेंजेज वी एड आई एन जी इन मैन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं, तो हमने क्वेश्चन मार्क के साथ में सेंटेंस को एंड कर दिया या कंप्लीट कर दिया। व्हाट इज कविता नॉट कुकिंग, कविता क्या नहीं पका रही है। कौन नहीं नाच रहा है, कौन का मतलब हु, ठीक है,
इसके अंदर अब आपको कोई भी सब्जेक्ट जो है वो नज़र नहीं आ रहा। क्लियर? आपको याद हो तो हमने प्रेजेंट सिंपल में देखा था कि हु के साथ में डू और डज का यूज नहीं होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अरे नवाज समझ में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग नहीं होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होता है प्रेजेंट सिंपल के अंदर। यहाँ जो है, यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हु के साथ में इज एम आर का प्रयोग होगा और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी इज एम आर का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि ये जो मीनिंग है ये है वाला या हु वाला जो मीनिंग है वो हमें वही हेल्पिंग वर्ब देने वाली है। कौन कौन सी? इज, एम और आर। इन दोनों का मीनिंग तो होता है इज यानी भी है और आर यानी भी है और एम यानी होता है हु। क्लियर? चलिए, तो अब हु के साथ में हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंसेज में इज एम आर का यूज कर सकते हैं। ऐसा हम प्रेजेंट सिंपल में नहीं करते हैं। उनमें प्रेजेंट सिंपल में भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव में तो डू डज का प्रयोग होता है लेकिन इंट्रोगेटिव में नहीं होता है। चलिए, हु, फिर उसके बाद में क्योंकि हमारे पास में सब्जेक्ट नहीं है तो हमें क्या लिखना है? इज। क्यों लिखना है? ये मीनिंग देने के लिए। इसको एक नेगेटिव सेंटेंस मानकर हमें उसका फॉर्मेशन करना है इज। उसके बाद में हमें लिखना है नोट, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद में नोट आ गया। उसके बाद में हमें क्या लिखना है? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़ के लिखना है। तो नाचने को डांस कहते हैं, लास्ट में ई है, ई को रिमूव करेंगे और उसके अंदर क्या जोड़ देंगे? आई एन जी जोड़ देंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं तो हमारा सेंटेंस यहीं पे हो जाता है एंड। हु इज नॉट डांसिंग, हु इज नॉट डांसिंग, कौन नहीं नाच रहा है। नाचने को जैसे ही रिदम और बीट मिलती है सब नाच लेते हैं, थोड़ा बहुत तो नाच लेते हैं। चलिए आगे, फोर्थ, सब्जेक्ट है श्याम, ऑब्जेक्ट कहानी, डब्ल्यू एच वर्ड है कब, मैन वर्ब है लिखना। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? व्हेन यानी होता है कब, डब्ल्यू एच वर्ड। फिर उसके बाद में लिखनी है हमें हेल्पिंग वर्ब, किसके अकॉर्डिंग? श्याम के अकॉर्डिंग। एक व्यक्ति का नाम है तो श्याम क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में अपन क्या यूज करते हैं? इज। फिर उसके बाद में हमें लिखना है सब्जेक्ट जो कि श्याम है। उसके बाद में हमें लिखना है नोट, सॉरी यहाँ पे हिंदी में एक ये हो रहा है नहीं, तभी तो नेगेटिव बनेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो फिर हमने लिखा नोट। उसके बाद में हमें लिखना है राइट में आई एन जी ऐड करके, तो ये हो गया राइटिंग। ठीक है, और लास्ट में हमें लिखना है ऑब्जेक्ट जो कि क्या है? कहानी, स्टोरी और क्वेश्चन मार्क। इट इज ओके। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए चीज़ों को। आज हमने पढ़ना शुरू किया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज। फॉर्मूले हमने खुद ने बनाए हैं अभी आपके सामने। एक फॉर्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, दूसरा होता है डब्ल्यू एच वर्ड वाला। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में केवल इस नोट का डिफरेंस होता है फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो। तो केवल हमने उन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के फॉर्मूले में नोट को और ऐड किया है, बाकी फॉर्मूले इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के सेम होते हैं। रूल्स भी सेम है, केवल इस नोट को कहाँ जोड़ना है, कहाँ ऐड करना है, वो रूल एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस से डिफरेंट। ये हमारे एग्जांपल्स हैं जिनको अभी हमने ट्रांसलेट किया है। वह क्यों नहीं सो रहा है? वाई इज ही नोट स्लीपिंग। कविता क्या नहीं पका रही है? वाट इज कविता नोट कुकिंग। कौन नहीं नाच रहा है? हु इज नोट
डांसिंग और श्याम कहानी कब नहीं लिख रहा है, व्हेन इज श्याम नॉट राइटिंग द स्टोरी। क्लियर? तो ये हो गए हैं हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ऑल फोर टाइप ऑफ सेंटेंसेज। इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो लगभग मैटर है वो कंप्लीट हो चुका है, केवल अब इसके यूजेज बचे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो यूजेज हैं वो पढ़ेंगे, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको अंडरस्टूड कर पाएँ और अपने ज़्यादा मार्किंग के लिए उसको यूज कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, हिट द लाइक बटन आल्सो। थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय।